हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जासवेट पर। दोस्तों, AIATSL में रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। मैनेजर पोस्ट, ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। सैलरी 32,000 के अप्रॉक्स मिलेगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और एयर इंडिया का जो है AIATSL के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट ध्यान से देखिएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। तो AIATSL के थ्रू जो है TSL के थ्रू एयर इंडिया में एयरपोर्ट सर्विसेज में रिक्रूटमेंट हो रही है। AI सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड है, आपने समझ गया होगा। जो है नेशनल मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, फिलहाल में जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बाद में इसको परमानेंट किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और आपके मुंबई, दिल्ली में रिक्रूटमेंट है। मैनेजर फाइनेंस में नंबर आप पोस्ट दे सकते हैं। DELCCUMA में 50,000 सैलरी मिलेगी। अकाउंट ऑफिसर या फिर कोड है DEL यानी दिल्ली, CCU आपके चेन्नई हो गया, MA यानी मुंबई हो गया, BOM की बात करें तो BOM आपके बॉम्बे की कह सकते हैं दोस्तों। और ये अलग अलग जो है पोस्ट के थ्रू दिया जा रहा है। जैसे फॉर्म भरेंगे सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो 32,200 रुपये इस पोस्ट के लिए। मुंबई, दिल्ली में अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट में आपकी 21,300 रुपये है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 1 मई 2021 के हिसाब से आपकी एज की गणना और एजुकेशन की गणना की जाएगी। तो आइए बारी बारी ध्यान से देखते हैं। जो मैनेजर फाइनेंस पोस्ट है उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, या कोस्ट अकाउंट CA जिसको बोलते हैं, अगर आपने किया है अप्लाई कर पाएंगे। शुड बी मेम्बर ऑफ इंस्टीट्यूट कैरेक्टर अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मेम्बरशिप अगर आपने AMI कर रखा है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है अगर एक्सपीरियंस है इसमें तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और देखिए अदर रिक्वायरमेंट क्या मांगा गया है, प्रेफर्ड हु है पीएम दोज कैंडिडेट हुआ सिमिलर रिलेवेंट एविएशन इंडस्ट्री में, अगर आपने काम किया है सैप पे तो आपको जो है प्योरिटी दी जाएगी, काफ़ी अच्छी प्योरिटी मिलेगी। मैक्सिमम एज 28 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर OBC हैं 3 साल की छूट दी जाएगी, अगर SC ST हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी। 50,000 पर महीना आपको दिया जाएगा। ऑफिसर अकाउंट में बात करें तो जो है आपको इंटर अगर आपने किया है CA से, इंटर कॉस्ट इंटर मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंटेंसी और MBA किया हुआ है आपने, इक्विवेलेंट फाइनेंस फुल 2 साल का कोर्स है और MS ऑफिस का नॉलेज है, तो आपको जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मोर देन 3 ईयर का अगर आपका अकाउंट में है, आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी से अप्लाई कर सकते हैं। GST वगैरह पेमेंट लाइक से किया है तो काफ़ी अच्छी आपको प्योरिटी दी जाएगी। 30 साल से ज़्यादा नहीं हो, चाहे OBC के लिए 33 साल और SC ST के लिए 35 साल। 32,200 रुपये महीना अलग से चार्जेस भी मिलेंगे, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट में बात करें तो ग्रेजुएट हैं अगर आपने जो है यूनिवर्सिटी से 10+2+3 पैटर्न पे और 1 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस फंक्शन अकाउंट्स में, GST टैक्स वगैरह में आप अप्लाई कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। ग्रेजुएट मतलब दोस्तों 10+2+3 जो है, 12th के बाद आपने 3 साल का कोर्स किया या फिर जो है आपने BBTech कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। जनरल के लिए 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। OBC हैं 3 साल की छूट के साथ आपको, 31 ईयर और SC ST के 33 साल, 21,300 पर महीना आपको दिया जाए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अप्लीकेशन मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन एबव जो भी है आपको होना चाहिए। व्हाट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन एज पर अटैच फॉर्मेट ऑन ईमेल, तो फॉर्म मैं नीचे दिखाऊंगा आपको भेजना किस पे है। HRSQA.AIASL@airindia.in पे 1 जून से पहले आपको फॉर्मेट भर के भेज देना है। इन रिस्पेक्ट पोस्ट एबव एप्लीकेशन वुड बी शॉर्टलिस्टेड बाय कंपनी बेस्ड, मतलब कंपनी जैसे देखेगी सेलेक्ट करेगी किसका एक्सपीरियंस अच्छा है, किसने ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से अगर आप कुछ गलती करते हैं इसलिए खुद जिम्मेदार है, बाद में कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने का जो है मैंने आपको बता ही दिया है, 1 जून से पहले सब कुछ कर दीजिएगा। और रिसेंट जो है 3 पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 3 महीने से पुराना ना हो। सिर्फ अटेस्ट कॉपी जैसे 10th की मार्कशीट, आपकी जो है डिग्री से जो भी मांगा गया है आपके सब होना चाहिए। क्रीमी लेयर OBC सर्टिफिकेट वगैरह सब देख लीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है काम करना चाहते हैं तो NOC होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको जो है 500 रुपये ड्राफ्ट देना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए भी नॉन रिफंडेबल फीस है। डिमांड ड्राफ्ट AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से पेबल एट मुंबई बनवाना पड़ेगा। ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा, बैंक में जाके बन जाएगा, इस समय बैंक खुला हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा मुझे। और सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ और रीजनिंग के लेटेस्ट ट्रिक पाने के लिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हो भी चीज़ों को मैं देखते हैं। लास्ट डेट आपने देख लिया 1 जून है, तो काफ़ी समय है यहाँ पे। और देखिए फॉर्म कुछ इस तरह से है, आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट मई है तो ऑफिस इसको छोड़ दीजिएगा, फ़ोटो लगा दीजिएगा अपना, यहाँ पे बता दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्मेट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सब चीज़ें हैं। अपना नेम भरना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
प्लेस क्या है आपका, स्टेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस भर दीजिएगा, पिन कोड भरने के बाद नेशनलिटी वगैरह, पैन नंबर, आधार नंबर देना ज़रूरी है, नहीं भी देते तो कोई बात नहीं, मदर टंग क्या है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु, मराठी, जो भी हो आप भर दीजिएगा, ठीक है। एसएससी सर्टिफिकेट के साथ अपना जो है जो भी होगा आपका, नहीं है तो एक्स कर दीजिएगा, ठीक है सर, एक सर्विस मैन है जो भी, सब भर दीजिएगा। बाकी आप टेंथ में क्या है, ट्वेल्थ में क्या है, डिग्री में क्या है, सेकेंड ईयर के मार्कशीट वगैरह सब आपने मंथ ऑफ पासिट जो भी है भर दीजिएगा। मदर टंग क्या है, नहीं है तो एक्स भर दीजिएगा। बाकी फॉर्म भर के वर्क एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया है, नेचर ऑफ जॉब सब भर दीजिएगा। फॉर्म भर के डीडी, डेट ऑफ इशू क्या है, किस बैंक से है करके आप अपना कर लीजिए। अगर आपके जो है रिलेटिव वर्किंग है एयर इंडिया में तो उनको बता दीजिएगा क्या नाम है उनका, डेजिग्नेशन क्या है, मतलब किस पोस्ट में, कंपनी क्या है, रिलेशन उनके साथ क्या है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्थान वाक्य यहाँ पे नहीं है। प्लेस डेट सिग्नेचर करके भर के आप इसको स्कैन करके ईमेल आईडी में आप भेज दीजिएगा, उनकी जो भी ईमेल आईडी मैंने बताई। बाकी कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।